त्रिपुरा से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के शरद यादव से है। पप्पू जी हमारे साथ हैं। पप्पू जी बताइए कि पिछली बार तो आप आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, जाहिर है जो पार्टी का बेस वोट है वो आपके साथ रहा होगा। इस बार आप अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये लड़ाई कहीं मुश्किल तो नहीं होगी? देखिए, लड़ाई मुश्किल और अच्छा ये कौन तय करता है? जनता, वो मालिक है। 16% यूथ छात्र इस पर वोटर है और वो ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है भीतर क्या है, ये सब जानती है। पिछली बार आपने आरजेडी का टिकट लेने सफल रहे थे, इस बार आपको टिकट नहीं मिला, आपने कोशिश जरूर की, तो क्या आप आरजेडी को सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? एक बात, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि 5 बार 6 बार मैं MLA MP रहा हूँ, पहले 3 बार इंडिपेंडेंट रहा हूँ, लालू यादव यहाँ 2 बार रहे, 30,000 और 21,000 से मात्र जीते। 15 साल हम यहाँ नहीं थे, आउट ऑफ कोसी सीमांचल थे। लालू यादव जी ने 3 बार उनको चुनाव हराने की कोशिश की, शरद यादव जो यादवों के लिए सबसे बड़ी गाली बने हुए थे, जंगल राज कहते थे, लालू यादव को फांसी चाहते थे, और नीतीश कुमार उनके लिए यहाँ कैंप करता था। इस बार भी 4 हेलीकॉप्टर पप्पू यादव के खिलाफ कैंप किया, 2 रात लल बबुआ यहाँ पर आए, जिनका ना अपना कोई जमीन न जगह न पगा न वजूद, पग में घूमने वाला, जिनका न संस्कार न अहंकारों में जीने वाला आदमी है। उनका मकसद सुपौल और यहाँ चुनाव हराना, ये कोसी का बेटा है, कोसी रिश्ते से चलता है। लड़ाई है मधेपुरा की यादवों का असली नेता कौन है, आपको लग रहा है कि मधेपुरा का चुनाव ये भी बताएगा कि यादवों का असली नेता कौन है? जी नहीं, यहाँ का नेता है का सवाल ही कोसी सीमांचल में नहीं। ये लड़ाई हो गई कि मेरा घर का बेटा कौन, मेरा अपना कौन, जाति जहर खत्म हो चुका कोसी से। अच्छा, सुपौल में आपकी पत्नी लड़ रही हैं, वहाँ आरजेडी ने अपने एक नेता को निर्दलीय उतार दिया और कहा गया कि इसलिए किया गया चूंकि पप्पू यादव यहाँ खड़े हैं, तो आपसे जो रिश्ते खराब हैं उसका खामियाजा पत्नी को भुगतना पड़ रहा है? ये समझ में नहीं आता है कि पहले तो आप ये समझिए कि ये जो इलाका है, ये जो विरासत है, ये विरासत सामाजिक संघर्षों का, सामाजिक न्याय का और सबको ले चलने वाला विरासत है हमारी कोसी सीमांचल। ये किसी की अधिपत और भपोति नहीं, यदि होता तो लालू यादव 3-3 बार 4-4 बार यहाँ से चुनाव नहीं जीते और राबड़ी देवी के रहते 30,000 से चुनाव नहीं जीते और हम 3.5 लाख से पहले भी चुनाव जीते हैं। पत्नी के लिए मुश्किलें खड़ी की गई, आपको लगता है जानबूझकर किया गया, बदले की भावना से किया गया? सर, सवाल ही नहीं उठता। कोसी सुपौल की जनता जानती है कि देश की सबसे बड़ी आवाज आज प्रवक्ता के रूप में, संघर्ष के रूप में, कोसी त्रासदी के रूप में, आम लोगों के रूप में, कंप्लीट एक सरल और सुलभ पॉलिटिक्स का नाम है पप्पू यादव रंजित रंजन, सुलभ एंड सरल। आप हर आदमी उम्मीद और सपने और विश्वास के साथ पप्पू यादव के फैमिली और पप्पू यादव अन्य लोगों की फैमिली एक साथ खड़े होती है, इसलिए यहाँ राजनीति और जाति ये इसकी तस्लीम आप छोड़ दीजिए और यादव राजपूत ये चर्चा बंद कर दीजिए, ब्राह्मण ये आप चर्चा ही नहीं कर सकते यहाँ। अच्छा बताइए, यदि जीत हुई आपकी तो फिर पप्पू यादव किधर जाएंगे, ये तय है कि कांग्रेस के साथ जाएंगे या रास्ते अभी खुले हुए? सर, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि मेरी कांग्रेस की यदि गवर्नमेंट बने, मैं किसी गठबंधन की बात नहीं कर रहा, तो पप्पू यादव क्लियर है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है। विचारधाराओं में आप हमको माथे में गोली मार के भी कुछ कहोगे, वोट और सियासत के लिए हमारी विश्वसनीयता खत्म नहीं हो सकती। हम साफ हैं, कोसी का विकास बिहार की कंप्लीट विशेष पैकेज एंड विशेष राज और साथ साथ युवाओं का और कोसी के पलायन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पर जो आपका साथ देगा आप उसके साथ जाएंगे किसी भी परिस्थिति में? मुद्दे तो आधार रहेंगे, लेकिन यदि प्रथम च्वाइस आप किसी से पप्पू यादव से पूछेंगे तो यदि कांग्रेस खुद गवर्नमेंट बनाने के लिए गठबंधन के आधार पर सक्षम होगी तो पप्पू यादव किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ करें।